हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, देखिए अप्पम की रेसिपी। अप्पम तो मतलब अप्पम इतनी टेस्टी लगती है खाने में, बच्चे हेल्दी भी हैं, बच्चे को जी बहुत फायदे करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे वेजिटेबल रहते हैं। अप्पम बनाने के लिए हमने देखिए क्या क्या सामान यूज़ किए हैं। अप्पम बनाने के लिए कुछ भी मतलब ऐसा खास नहीं चाहिए, घर में हमारी सारी चीज़ अवेलेबल रहती है। उसके लिए हमने सबसे पहले तो एक कांच का बॉल लिए हैं, उसमें हम दही डाल दिए हैं। दही देखिए, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कितना दही डालना है, तो इससे कोई ज़रूरी नहीं कि इसको कोई क्वांटिटी हो। हम दही इसलिए डालते हैं कि थोड़ा सा खटास आए, खट्टापन लगे, इसलिए हम दही ले लिए। मेरे पास दही था बहुत सारे, इसलिए चार ये कसन से हम चार कसन लिए हैं। आप सूजी आप कितना डालना है ये भी हम आपको बता देते हैं, आप जितना बनाना चाहें, मतलब आपके घर में कितने मेम्बर्स हैं उसी हिसाब से आप सूजी डालें। कोई ज़रूरी नहीं कि मेजरिंग कप से ही डालें। आप दही में देखिए सूजी मेरा ये तो दही ज़्यादा ही है, आप कम भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जितना दही हम लें उतना ही लें। आप इसे अगर आपके पास नहीं दही है तो चार चम्मच भी डाल सकते हैं, पाँच चम्मच भी डाल सकते हैं सूजी। आप जितना भी मतलब आप घर में बनाना चाहें अप्पम, उतना ही सूजी लें। अब इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेते हैं सूजी दही को। आप चाहे तो इसमें दही के साथ पानी भी डाल करके आप इसको मतलब सूजी को मिक्स कर सकते हैं। मेरे पास दही ज़्यादा था इसलिए हम दही ज़्यादा डाल देंगे, हमें कोई ज़रूरी नहीं कि दही ज़्यादा ही लेना है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। ये खास से हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए थोड़ा हमको दिक्कत होता है, इसलिए हम हल्का से इसमें पानी डाल देते हैं ताकि देखिए सूजी जो है वो बहुत जल्दी पानी और सोख लेती है, इसलिए इसको बैटर को थोड़ा ये देखिए गीला नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा गीला हो गया, नहीं ये इतना ही ठीक रखिए। आप इसमें और बाद में हम पानी डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा और टाइट हो जाएगा। अब इसको हम एक घंटे के लिए छोड़ दिए हैं बैटर को ढक करके। अब इसमें हम प्याज और टमाटर शिमला मिर्च हरी मिर्च काट दिए हैं। आप इसमें गाजर डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, जो भी डाल सकते हैं आपको मर्जी। अब सारी एक घंटे के बाद हमारी बैटर खुल के देखिए ठीक हो गई है, कितनी कम हो गई है। अब इसमें शिमला मिर्च डाल दिए छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए, टमाटर, अब इसमें हम प्याज डाल दिए, अब इसमें हरी मिर्च डाल दिए। सारी चीज़ डालने के बाद इसमें हम देखिए छौंका लगाना है। इसमें आप करी की पत्ती भी डाल सकते हैं, हम राई डाले हैं और ऑयल सरसों का ऑयल में डाल करके इसमें तड़का लगा दे रहे हैं। अब इसमें करी पत्ती डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। मेरे पास करी पत्ती रहते हुए भी नहीं ला पाए क्योंकि थोड़ा रात हो चुकी थी, रात में पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए इसलिए नहीं ला पाए थे। अब इस बैटर में हम डाल दिए हैं छौंका। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि बैटर जो हमारा परफेक्ट हो जाए। थोड़ा ये सारी सब्जी डालने के बाद थोड़ा बैटर है जो और गाढ़ी हो गई है, इसलिए इसमें हम थोड़ा पानी डाल दिए। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब इसको अच्छी तरह से मतलब मिक्स कर ले रहे हैं। बैटर को देखने में भी अभी इससे टेस्टी लग रही है, ये बनने के बाद और टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर अप्पम बना कर देखिए। अगर बच्चे अगर आपकी ये स्कूल जा रहे हैं तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी ये है। बच्चे बहुत रोटी सब्जी तो खाना पसंद करते नहीं आजकल के बच्चे, इसलिए इस तरह बना करके आप टिफिन में दीजिए ज़्यादा लेट। अब जो बर्तन था वो सूखने लगा था तो सोचिए हम इसको पहले धो करके हटा लेते हैं। इसको हम धो ले रहे हैं, देख सकते हैं अभी पानी मेरे यहाँ नल नाइट में भी खुली रहती है, इसको हम धो लिए हैं। अब बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। बैटर को मिक्स करने के बाद हम इसको हम बना के दिखाते हैं। अपन दो तरीके से हम बना के दिखाएंगे आपको। अगर आपके पास कोई पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तावे में भी बना सकते हैं, छोटे छोटे कलछुल में भी बना सकते हैं। अब हमारी बैटर रेडी हो चुकी है, इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती हम लास्ट में ऐड कर दिए हैं। अब धनिया की पत्ती डाल दिए हैं, अब एक इनो डाल देते हैं। इनो डालने से क्या होता है, हमारी अप्पम में जो बहुत फूली फूली सॉफ्ट बनती है, अच्छी बनती है। इसमें इनो अगर आपके पास नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें खाने वाला सोडा डाल दीजिए, उससे भी आपकी अप्पम है जो बहुत अच्छी बनेगी, बट इनो ज़्यादा ही अच्छा रहता है इसलिए हम बोल रहे हैं। अभी इनो डालने के बाद इसको अच्छी तरह से देखिए मिक्स कर लेते हैं। इनो डालने के बाद ये जो है बैटर थोड़ा हल्की हो चुकी है। आप देखिए अप्पम पैन में हम थोड़ा थोड़ा सरसों का ये रिफाइन ऑयल डाल दिए हैं। अब एक बैटर थोड़ा थोड़ा हम डाल दे रहे हैं, हिसाब से डाल दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा।
अभी हम गैस बंद करके रखे हैं ताकि मतलब इसलिए बंद करके रखे हैं क्योंकि बैटर डालते डालते कोई कोई जल्दी जल्दी बन जाती है, कोई कोई कच्ची रह जाती है, साथ में ही हमको बनानी है इसलिए हम बैटर इसमें थोड़े थोड़े करके डाल दे रहे हैं। अब देख सकते हैं फ्रेंड, एक एक चम्मच करके हम डाल रहे हैं इस पर। सारे डालने के बाद हम आपको बोलते बताते हैं क्या करनी है उसके बाद। अब जब भी अपम बनाए एकदम मध्यम आँच, एकदम ना हाई फ्लेम होनी चाहिए ना एकदम मध्यम, एकदम लो फ्लेम पे, जितनी लो फ्लेम पे इसको पका सकते हैं आप ताकि अपम में जो बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी करारी बने। अब इसको डालने के बाद इसको ढक करके ही हम उसको बनाना है, हमको ढक्कन से ढक देंगे तो इसको मतलब अपम बनेगी बहुत अच्छी। देख सकते हैं हमारी गैस की फ्लेम कितनी लो है। अब एक तावा है हमारे पास जो इसमें भी हम बना लेते हैं, इससे जल्दी बनेगी, दो टाइप की बना ले रहे हैं, ज़्यादा बेटर तो इस पर ही बनती है आपको, उसमें भी बनती है बट थोड़ा हमारी इनो मतलब बेटर कम हो गया था, इनो ज़्यादा हो गया था तो थोड़ा वो अपन में टूटने लगा था। अब सारे डालने के बाद हम आपको दिखाते हैं, इसी प्रोसेस में सारे एक एक चम्मच करके मतलब प्यार से आराम से डाल देते हैं। देख सकते हैं इसमें ऑयल हम पहले से डाल चुके थे, जो ऑयल है थोड़ा बूंदा बूंदा मतलब वो उबलने लगी है क्योंकि ये हमारी जो तावे हैं बहुत ज़्यादा पतली है, मीशो से मंगाए थे, बहुत पतली दिया हुआ है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी होने लगा है। ऑयल भी थोड़ा मेरा ज़्यादा चला गया था, ऑयल बिल्कुल कम डालें, नॉन स्टिक पैन में हम भूल गए थे कि ऑयल कम डल लगता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है किसी से भी। देख सकते हैं दोस्तों ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही है, आप लोग सोच रहे हैं अभी ये देखते हैं पलट करके हम एक एक करके ये हमारी हुई या नहीं हुई कच्ची है। बहुत थोड़ा लेट लगती है क्योंकि धीमी आग में बनानी पड़ती है ना इसलिए, बट खाने में बहुत टेस्टी लगती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई मारें। देखिए अभी सॉफ्ट है इसलिए हम इसको पलट के देख रहे हैं, साइड से छोड़ा छोड़ा करके देख ले रहे कौन सा हुआ है या नहीं हुआ, एक पलट के हम पहले दिखा नहीं पाए थे क्योंकि हम एक हाथ से वीडियो बनाते एक हाथ से काम करते इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है फ्रेंड्स, इसलिए बीच बीच में वीडियो रोकना पड़ता है। देख सकते हैं बहुत अच्छी अपम बनी है हमारी, देख सकते हैं एकदम फुली फुली बनी है, कोई कोई है जो टूट जा रही है क्योंकि थोड़ा एक हाथ से बनाने में दिक्कत होती है इसलिए, फिर भी आप लोग समझ सकते हैं हमारी प्रॉब्लम। ये अपन थोड़ा कच्चा है इसको बाद में फिर से पका लिया जाएगा। अब चलिए इसको भी हम चेक कर ले रहे हैं ये हुई है नहीं हुई है। अब पीछे साइड में थोड़ा पलटे थे तो गर्म हो गया था हमारा छोटी सी छुन्नी है, इसको हमको थोड़ा पलटने में दिक्कत हो रही थी। अब देख सकते हैं दोस्तों इसी तरह सारा पलट के देख लेते हैं हुआ या नहीं है, फिर से इसको एक बार और हम पलट के पका लिया जाएगा। देख सकते हैं अभी थोड़ा कच्चा था फिर भी हम पलट लिए हैं क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है कि कच्चा भी चीज़ भी पलटते हैं, थोड़ा पका लिया जाए। ये टूट जा रही है इसलिए क्योंकि ये पलटने में नहीं बन रही है, ये पैन जो है इसमें कुछ दिया नहीं है पलटने के लिए, इसलिए थोड़ा सा छोलनी हमको यूज करना पड़ रहा है। अब देखिए जो अच्छी तरह से पक गया वो टूटने वाला नहीं है इसलिए आप लोग ध्यान रखिए पूरा अच्छी तरह से इसको, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ज़िद्दी कर रहे हैं भूख लगा और मम्मी, इसलिए हम थोड़ा जल्दीबाजी में थे इसलिए कच्चा कच्चा पलट दिए। अब इसको हम पलट के और एक बार देख लेते हैं, ये अपन तो हमारी रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी गोल गोल बनी है। एक बार चेक कर ले रहे हैं सारी पलट पलट के ताकि ये है ना जो मतलब कहीं से जल ना जाए। ये थोड़ा पलटने में थोड़ा इसमें दिक्कत होता है इसलिए आराम से आप पलटिए। अब देख सकते हैं दोस्तों सारी अपम हमारी मतलब हो चुकी है पलट, बहुत टेस्टी बनी क्रिस्पी करारी, ये देखने देखने में कितनी प्यारी लग रही है। इसी प्रोसेस में सारी अपम बना के हम रेडी कर ले रहे हैं,
के मतलब वो किया था, या पिछले सर्विस प्लेट में निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं। हस्बैंड जो है खाने के लिए मतलब बैठे हुए हैं, उनको जो वो जो चला हुआ शाम का टाइम है, तो हमारी अपनी बेटी हो चुकी है और उसको सर्व करता हुआ दिखा दे रहे हैं कि हमारी अपनी कैसी बनी है, उसको बहुत टेस्टी अच्छी लग रही है। आप जैसे बताएंगे किस तरह बनाना, मतलब खाने में तो बहुत टेस्टी है, हम आपको बता रहे। एक बार आप बना तो देखिए बहुत टेस्टी लगती है, देख सकते हैं। तो आप किसी भी चटनी के साथ, हम सॉस के साथ खाने वाले हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सपोर्ट हमें ज़रूर